सई को क्रिमिनल केस में फंसाएगी पाखी, लेकिन उसमें उसका इरादा हो जाएगा फेल। आपको बता दें, पूरा लेखा जोखा जो है वो पाखी तैयार कर सकती है, और ये लेखा जोखा जो है वो कुछ इस तरह से वो तैयार कर सकती है। वेल, आपको पता ही है कि जो पाखी है उसका यूट्रस जो है वो निकाल दिया गया था। ऑपरेशन के दौरान कुछ इस तरह से कोई सिचुएशन हुई थी कि यूट्रस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और पाखी को बचाने के लिए यूट्रस जो है वो निकालना पड़ गया था। जिसे सुनने के बाद पाखी बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो गई थी कि उसका यूट्रस निकाल दिया गया। हालांकि विराट की सहमति से ही ये हुआ था। विराट ने इसकी इजाजत जो है पुलकित और साथ ही साथ सई दोनों को दे दी थी, क्योंकि सई जो है वो पहले इस बात को पुलकित को बोलती नजर आती है कि क्या आप भी वही सोच रहे हैं, जिसके बाद पुलकित कहता है कि हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, और फिर दोनों जो है वो विराट से बात करते हैं और यहाँ पर जो है वो पाखी का जो यूट्रस है वो निकाल दिया जाता है। अब इस बात को लेकर जो है पाखी यहाँ पर एक मुद्दा बनाने वाली है, और इस बात को लेकर वो केस करने वाली है, और वो ये कहने वाली है कि सई के जो इरादे थे वो कभी भी ठीक नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें करके वो काफ़ी ज़्यादा गोल गोल इन चीज़ों को लेकर बनाने वाली है और क्रिमिनल केस करने वाली है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो विराट है वो बहुत कोशिश करेगा चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए, साथ ही साथ भवानी भी पूरी तरीके से कोशिश करेगी, लेकिन भवानी जो है वो और क्या करे, वो बस यही सोचती रह जाएगी। तो वहीं पर विराट को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन सब में सत्या जो है वो पूरी मदद करने वाला है। ये पूरा जो माजरा होगा, ये जो भी यूट्रस वाला सीन होने वाला है जिसका मुद्दा बनाकर पाखी जो है वो सई के खिलाफ एक्शन लेने वाली है, उस पर जो है काफ़ी कुछ बोलने वाला है सत्या, और पूरी प्रूफ के साथ वो दिखाएगा कि अगर यूट्रस नहीं निकाला गया होता तो पाखी की जान भी जा सकती थी। ऐसे में सारा जो गेम है वो सई के ही हाथ में आ जाएगा। वेल, भले ही सई के हाथ में पहले कुछ भी चीज़ें नज़र नहीं आई हो, भले ही पहले लगता हो कि सई के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अब आपको बता दें कि सई के फेवर में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। भवानी जो है वो तो सई का फेवर करती ही है, विराट जो है वो सई के बिना रह नहीं पा रहा है, ये बात जो है भवानी को तो पता ही है, और अब धीरे धीरे पत्रलेखा को भी पता चल ही रहा है। और इसी के साथ साथ अब वीनू भी जो है वो पाखी से दूरी बनाने वाला है और वो सई के पास जाने वाला है। इन सारी चीज़ों को देखकर पाखी काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती है, और ये जो केस बनाया होता है ये केस खुद उसी पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब पाखी ये केस करती है तो उसी के साथ ही साथ वो विराट की नफरतों का भी शिकार बन जाती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भवानी भी जो है वो पाखी के खिलाफ एक्शन लेने वाली है, और वो तैयार करवाने वाली है विराट और पाखी का डिवोर्स पेपर। जी हाँ, इस घटना के बाद जो सबसे बड़ा एक्शन लेने वाली है वो है भवानी, और वो भवानी जो है करने वाली है कुछ ऐसा काम जिसे देखने के बाद पाखी के जो है वो होश उड़ जाएंगे। और यहाँ इसी के साथ ही साथ सत्या जो है वो पूरी तरीके से सई का फेवर करता नजर आएगा, और यहाँ पर जो विराट है वो कहीं ना कहीं से सत्या से काफ़ी जेलस फील करेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी चीज़ से सत्या ने जो है वो सई को निकाल दिया है। और इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, और वो अपडेट ये है कि हो सकता है कि एक बार फिर से कांबले की एंट्री हो, और इस बार कांबले जो है वो पूरी तरीके से जो है वो काम करता नजर आए पाखी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।